नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम भारत के उस स्वदेशी लड़ाके के बारे में बात करने वाले हैं जो कि भारत के स्वदेशी पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट के साथ मिलकर दुश्मन देशों के खिलाफ एक अमोघ हथियार बनाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस हथियार के बारे में। तो दोस्तों, आज से कुछ ही दिन पहले भारत के कैट्स वॉरियर सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई थी और भारतीय वैज्ञानिकों ने यह जानकारी दी थी कि हमारा कैट्स वॉरियर का जो लिविंग वेन ड्रोन है वो 2024 में अपनी पहली उड़ान भरने वाला है। पर दोस्तों, उसी टाइम यह खबर निकल के सामने आई थी कि भारत का जो HAL है यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो तेजस के एक अनमैन वेरिएंट पर भी काम कर रहा है जिसका नाम है तेजस UCAV अर्थात तेजस का अनमैन कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। और दोस्तों, इसकी खबर इसलिए सामने निकल के आई थी क्योंकि कैट्स वॉरियर का जो लॉयल लिविंग वेन ड्रोन होने वाला था अपना, उसका वजन पूरे हथियारों के साथ महज 13 क्विंटल था जो दुनिया के भारी भरकम लॉयल विंगमैन ड्रोन की तुलना में काफी कम है। इसलिए दोस्तों, तेजस के UCAV वेरिएंट को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है क्योंकि एक तो एक ये हैवी वेट फाइटर जेट है, दूसरा इसको आसानी से दुश्मन देश के रडार भी नहीं पकड़ पाते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी यूनिक है जिसके चलते अपना जो तेजस फाइटर जेट है उसको आसानी से अनमैन कॉम्बैक्ट फाइटर एयरक्राफ्ट में बदला जा सकता है। और दोस्तों, आप यकीन मानकर चलिए कि अपने अमका फाइटर जेट के साथ यदि दो तेजस के UCAV वेरिएंट चलेंगे तो दुश्मन देश के दल में यह जाकर तहलका मचा देंगे क्योंकि दोस्तों, तेजस फाइटर जेट अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छा लड़ाका है और लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की श्रेणी में यह दुनिया के कुछ चुनिंदा एयरक्राफ्टों में से एक माना जाता है। और अमका के बारे में तो आप सभी जानते ही हो कि अमका कितना ताकतवर फाइटर जेट है। ऐसे में एक अमका के साथ तेजस के दो UCAV वेरिएंट बहुत ही घातक हथियार बना सकते हैं और साथ में यदि HAL तेजस को UCAV प्रोग्राम के तहत बनाता है तो इसको स्टेल्थ बनाना काफी आसान है क्योंकि इस पर रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल की कोटिंग करके इसको रडार से छुपाया जा सकता है। साथ में इसका आकार पहले से ही रडार पर बहुत ही छोटा आता है जिससे वैसे ही इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल का काम है और जैसे ही रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल की कोटिंग भी इस पर की जाएगी तो यह पूर्णतः स्टेल्थ अनमैन ड्रोन बन जाएगा जो कि दुश्मनों के ऊपर कहर बरपाने के लिए बहुत ही कम समय में तैयार किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, वजन ढोने के मुकाबले में लॉयल विंगमैन ड्रोन की श्रेणी में तेजस फाइटर जेट का मुकाबला दुनिया का और कोई फाइटर जेट नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है और क्या HAL को ऐसे प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में फिर आवेश दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।